मुरादाबाद में 4 दिन के प्रवास के दौरान आज संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मंच से देश के 130 करोड़ लोगों को संदेश देते हुए कहा कि संघ अपनी संस्कृति के अनुसार विश्व में बढ़ रहा है और आज भी सबसे बड़ा है, लेकिन किसी किसी को बिना कारण ही दर्द होता है। संघ प्रमुख ने ऋषि मुनियों का उदाहरण देते हुए संघ की बुराई करने वालों पर अपने अंदाज में जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि जब कोई ऋषि मुनि तपस्या करता था तो भगवान इंद्र भी अप्सराएं भेजकर उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास करते थे। किसी का बड़ा होना सज्जनों को अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि उनकी दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए वो इसका दुष्प्रचार करते हैं। संघ का कार्य भी कुछ वैसा ही है। हम लोग पिछले 60 सालों से देश और समाज के लिए कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन इससे संघ को कोई फर्क नहीं पड़ता और संघ से जुड़ा हर व्यक्ति इस बारे में जानता है। वो कुछ भी कहे, उन सब को तो एक दिन हमें जोड़ कर ही चलना है। करने वाला वैसे सज्जन बहुत है, वो भी हमारे अपने, उनको जरूरत नहीं संघ में आने की, वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं, हम उनकी मदद करेंगे, ऐसा ही हम चलते हैं। से बहुत लोग आके मिलते हैं, हम उनके यहां जाकर मिलते हैं। संघ सर्वेशाम अविरोधेन, किसी का विरोध किए बिना, बिना किसी के प्रति प्रतिक्रिया, एक नितांत सकारात्मक समाज संगठन का, समाज के गुणवर्धन का काम है। संघ क्या कहता है, क्या बोलता है, संघ के संचालक क्या करते हैं, इसकी समीक्षा करने के पहले इसको अनुभव से समझ लेना पड़ेगा, तभी संघ को ठीक तरह से जाना जा सकता है। और इसलिए संचालकों से प्रार्थना है कि सब लोग जाने, इसलिए इस कार्य को शीघ्र कोने कोने में फैलाना है। उसके लिए पहली बात है कि हमको योग्य बनना है, शाखा की साधना के रूप में नित्य करनी चाहिए, किसी भी सबब से उससे विमुख नहीं होना चाहिए। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद या अपने हो सकते हैं जल्दी उनको ही विचार करना चाहिए। और समाज के हमारे जो बंधु हैं वो संघ को अंदर आके देखे, संघ के कार्यक्रमों में आए, संघ के शिविरों में आए, संघ वालों के साथ रहे, संघ के कार्यकर्ताओं को देखे, उनके परिवारों को देखे। संघ के कार्यकर्ता जो समाज हित के अनेक कार्य करते हैं, हमारे सामने केवल राजनीति में काम करने वाले ही संघ के स्वयंसेवक है, वो तो बहुत छोटा हिस्सा है। इतना बड़ा सेवा कार्य चलता है, इतने सारे समाज के संगठन चलता है, कला में काम चलता है, क्रीड़ा में काम चलता है, उन सब के साथ काम करके देखें तो संघ के विचार, संघ के आचरण का अनुभव प्रत्यक्ष आपको मिलेगा। उसके प्रकाश में फिर संघ की पुस्तकों को आप पढ़िए, संघ के कार्यकर्ता क्या करते हैं, क्या तय करते हैं, कौन से कदम उठाते हैं, उसका विश्लेषण उसके आधार पर करिए, तो संघ की सही समझ आप में प्रकट हो, वो जल्दी प्रकट हो और अपना कार्य शीघ्रातिशीघ्र संपूर्ण देश में व्याप्त हो जाए। आज है बड़ा, बाहर के लोग कहते हैं सबसे बड़ा, लेकिन हम जो सोच रहे हैं उसके लिए पर्याप्त नहीं है। हम तो 130 करोड़ के समाज में ऐसा वातावरण प्रकट करना चाहते हैं जो प्रामाणिकता का, निस्वार्थ बुद्धि का, देशभक्ति का, अनुशासन का, तन मन धन पूर्वक देश के लिए जीने मरने का हो। उसके लिए आवश्यक कार्यकर्ता समूह और उसके लिए आवश्यक भौगोलिक व्याप्ति, कार्यकर्ता संख्या में भी और गुणों में भी वैसे, ये स्तर हमको शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करना है। वो प्राप्त हो जाए, सब लोग तो शाखा के मैदान के ऊपर रोज खड़े रहेंगे ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन शेष समाज में भी इन्हीं सद्गुणों का वातावरण बने, भारतवर्ष विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर हो जाए और भारत के सब लोग मन में स्नेह आत्मीयता के साथ एक होकर अपने देश के लिए अपना जीवन जिए, वैसा जीवन जीना उनके लिए उत्तरोत्तर सुलभ हो। इसी एक शुभकामना के साथ मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं।